और पसीना आने वाली स्वेट, ये तीसरे वाले पॉइंट को आप इधर रखिए। और ऐसा क्यों? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सभी आप लोग, दिस इज गोलू और आपका स्वागत है एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे ORS पाउच के बारे में। इसके क्या फायदे हैं, इसे कब लिया जाता है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है, सब कुछ A to Z, बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ओके, हम सबसे पहले जानते हैं कि ORS क्या है और इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। और इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, बेसिकली इसमें 3 सॉल्ट्स मिले हुए हैं, जैसे कि आपके सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और प्री सोडियम साइट्रेट। ओके, अब हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगों को भी डायरिया होता है, फ्रेश होने जाना पड़ता है बार बार, और वॉमिटिंग होती है, ज्यादा पसीना आता है। जब भी आपको ये प्रॉब्लम्स होती है तो आपकी बॉडी में से वाटर और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का बॉडी में क्या काम है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या मिलता है आपको, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम और साथ में बाइकार्बोनेट। ये सब चीजें आपकी बॉडी में मसल फंक्शनिंग को सही रखती हैं, आपकी इरेगुलर हार्ट बीट को सही रखती है, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा तेज, और आपका जो स्टमक है जो बार बार कभी कभार पेट दुखने की समस्या होती है उसे भी सही रखती है। ओके, सो अब हमने ORS के पाउच के बारे में बात कर ली है कि ये किस चीजों से बना है, ये क्या है और इसके यूज किस तरीके से होते हैं, किस प्रॉब्लम पर बेसिकली। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने मेन पॉइंट के बारे में कि इसे वर्कआउट की किस टाइमिंग पर लेना चाहिए। सो इसको जानने से पहले आप एक बात समझिए, जो मैंने आपको पहले प्रॉब्लम्स बताई थी, जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग और पसीना आने वाली स्वेट, ये तीसरे वाले पॉइंट को आप इधर रखिए। और ऐसा क्यों, बिकॉज जब भी आप वर्कआउट करते हो या एक घंटा या उससे ऊपर, तो आपकी बॉडी में स्वेट यानी कि पसीना देखने के लिए ज्यादा मिलेगा, खासकर गर्मी में। और इसी के साथ आपकी बॉडी में वाटर की कमी और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से पता ही है आपकी मसल फंक्शनिंग बेकार हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मसल फटीग हो जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं और आप ज्यादा वेट को लिफ्ट नहीं कर पाते। सो आप BCAA की जगह ड्यूरिंग वर्कआउट इसे चलाइए, यानी कि वर्कआउट करने के साथ साथ। और बात रही आपके BCAA और ORS के पाउच में डिफरेंस की, तो आपको इसमें कुछ एसिड्स का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा और साथ में कुछ प्राइस का। सो आपके पास BCAA नहीं है तो आप ORS का पाउच आराम से यूज कर सकते हो। और ये आपको कुछ फ्लेवर्स में देखने के लिए मिलेगा, एक आपको सिंपल टाइप का मिलेगा और मैंगो एंड ऑरेंज, आई थिंक शायद एक लेमन और आता है, देख लेना आपको जो भी चाहिए केमिस्ट शॉप पर आराम से मिल जाएंगे। और बात रही इसके प्राइस की, सो आपको ये 5, 10, 20 रुपए सभी प्राइस में मिल जाएगा। ओके, ये था टॉपिक, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी ये वीडियो।